दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, ये करौंदे का प्लांट है और आज इसी प्लांट की हम बात करेंगे। यहाँ पे इसको करौंदा बोलते हैं, कुछ ककरौंदा भी इसको बोल देते हैं। ये भी हमारे मंदिर वाले एरिया में और ये सीड से ग्रो किया था, यानी कि यहाँ पे जो ककरौंदे है उसके सीड्स, यहाँ पे जब ककरौंदे का जो अचार होता है वो अचार यहाँ पे किसी ने खाने के बाद जब पानी के साथ उसके सीड्स जो है यहाँ पे चले गए और यहाँ जाने के बाद देखिए जो प्लांट है वो ग्रो कर गया। आई थिंक इसको 3 साल हो गए हैं, 3 साल का ये प्लांट है और इस पे जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट होने लगी है। लेकिन दोस्तों, इस करौंदे में एक प्रॉब्लम ये है कि इस करौंदे की जो मांग है मार्केट में कम है। मार्केट में जो पिंक कलर का जो ककरौंदा आता है उसकी मांग अच्छी है, वो सेल अच्छे होते हैं, ये सेल नहीं हो पाते। इसकी काफी अच्छे इनकी सब्जी बनाई जाती है, इनका अचार जो है वो डाला जाता है और भी काफी बेनिफिट है इसके। यहाँ पे इस तरह के 3 प्लांट है मंदिर वाले एरिया में, तो चलिए मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और सीड से ग्रो किए हुए प्लांट पे मैंने आपको पहले बताया था कि उनमें जो फ्रूटिंग है वो फर्स्ट टाइम कम आती है, फिर नेक्स्ट टाइम ज्यादा आती है और थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम वो फुल फ्रूटिंग करता है। तो इसीलिए इसमें जो फ्रूटिंग है वो इतनी अच्छे से अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन काफी फ्रूट्स अभी आ चुके हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरे प्लांट पे जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अगर इनको जमीन में लगाया जाए तो ये काफी अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं, लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि लेकिन अगर ककरौंदे को आप पॉट में लगाएं तो पॉट में भी लगा सकते हैं। इससे आप बोनसाई अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इनको क्लिप एंड ग्रो के मेथड से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं जब एक बार एक बोनसाई एग्जीबिशन में गया था तब मैंने वहां पे देखा था करौंदे का एक बोनसाई उन्होंने बना रखा था जो कि क्लिप एंड ग्रो मेथड से बनाया हुआ था, यानी कि उनकी शेप इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन काफी अच्छा लग रहा था और उनपे जो फ्रूटिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो अगर आपको भी ककरौंदा इतना पसंद है तो आप उसको भी एज ए बोनसाई या अपने पॉट में भी लगा सकते हैं, काफी अच्छे से फ्रूटिंग कर देता है गमले में भी। चलिए मैं आपको दूसरा प्लांट और दिखाता हूँ। देखिए कि ये प्लांट है और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया इसको अगर एज ए बोनसाई ग्रो करें तो भी हम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ब्रांच, ये ब्रांच अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा एक ब्रांच इसकी इस साइड और एक ब्रांच इस साइड ऑटोमेटिकली इस तरह से शेप लेता चला जाता है। तो अगर जहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है अगर यहाँ पे इसके रूट्स आ जाए तो देखिए काफी अच्छा ट्री लगेगा और इस पे हमें वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिक इसकी जो ब्रांच निकलती है ये सही जगह पे निकलती है और बिल्कुल अपोजिट निकलती जाती है, एक यहाँ पे निकली एक वहां पे एक यहाँ पे, तो आपको वायरिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्लिप एंड ग्रो के मेथड से ही हम इसको काफी अच्छी शेप दे सकते हैं। हालांकि मैंने कभी इसका बोनसाई नहीं बनाया लेकिन मैंने एक बोनसाई एग्जीबिशन में देखा था करौंदे का बोनसाई। अगर इन करौंदों को आप खाएंगे तो इनका जो टेस्ट है बहुत ही खट्टा है और जब ये पक जाते हैं तो ये ब्लैक कलर के पहले थोड़े से मैरून कलर के होंगे फिर बाद में बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। उस टाइम पे अगर आप खाएंगे तो ये आपको इतने खट्टे नहीं लगेंगे, हल्की सी खटास होगी लेकिन मीठे होंगे और अंदर से भी इनका जो कलर है वो बिल्कुल पर्पल कलर का हो जाता है, डार्क पर्पल। तो उस टाइम पे अगर हम खा सकें तो खा सकते हैं। इनके अंदर उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है जब ये पक जाते हैं तो इनके अंदर कीड़े हो जाते हैं, तो अगर आप पके हुए आप फ्रूट खाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि इनके अंदर कीड़े ना हो, तो चेक करके खाएं। अगर आप भी ककरौंदा लगाना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान रखें, नर्सरी जब लेके आए तो उनको बोल दीजिए कि जो पिंक कलर का है वो लेके आइए, वो काफी खूबसूरत है, उसका जो फ्रूट है वो भी अच्छा है और उसकी मार्केट में मांग अच्छी है। अगर आप खेत वगैरह में बाग वगैरह लगाना चाहते हैं, इसका खेती करना चाहते हैं, तो जो पिंक कलर का है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।